Hello dear students, welcome back to the Data Communication and Networking video tutorial series. Today in this tutorial we will talk about the computer networks, and in computer network we will cover software and hardware requirements of computer network. Software and hardware requirement मतलब कि computer network में जब हम connections establish करते हैं तो उन कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें अलग अलग तरीके की डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है या अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पे. तो सॉफ्टवेयर बेसिकली हम अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या हम इसे कह सकते हैं, इट इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बेसिकली. सो it can be a collection of data, it can be collection of computer instructions that can tell you a computer or the network how to work or how to establish the connection or how to access the network criteria or how to access all the things over the network or how to communicate between two computers. So software, they can be some program, they can be some type of application which are used to for this type of connections. तो दो devices को basically जोड़ने के लिए जितने भी softwares हमें चाहिए होते हैं या applications हमें चाहिए होती हैं वो सारी इस category के अंदर आते हैं. तो हमारे पास कई तरीके की software requirements हो सकती हैं. उनमें से सबसे पहले है for network connectivity we need an operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूर कंप्यूटर एंड यू. मीन्स यू आर अ यूजर सो यू कैन इंटरेक्ट विद योर डिवाइस ओनली थ्रू एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट मेक्स योर डिवाइस टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू, और वी कैन से इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स विच योर डिवाइस कैन परफॉर्म इजीली. So we can have many type of operating system. We can have Windows operating system, then we can have Unix or DOS operating system, Linux and Unix, and that can be a part of DOS operating system. We can have Mac operating system that is supported by your MacBooks or Apple devices. Then we need some type of browsers. If you want to search something, or if you want to access the internet, or if you want to access the world wide web www, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको access करनी है तो आप ये सारी चीज़ें कहाँ से access कर पाएंगे, कैसे उन्हें open कर पाएंगे. तो उसके लिए हमें एक दूसरे तरीके की application ज़रूरत होती हैं जिन्हें हम browsers कहते हैं. Mozilla Firefox है आपके पास, Google Chrome है आपके पास, Opera Mini है आपके पास, या इस तरीके से सुपर है आपके पास. इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास कहें कि ब्राउज़र्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, और उनका यूज़ करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत सारे वेब पेजेस जो हमारे हैं उनको ओपन कर सकते हैं, और बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन को वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास थर्ड जो कहें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो है नेटवर्क ड्राइवर्स. नेटवर्क ड्राइवर्स जो कि हमारे जितने भी नेटवर्क के अंदर हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उन डिवाइसेस को का ये बताता है कि को कहेंगे कि इंस्ट्रक्शंस के बारे में या किस तरीके से वो काम करेंगी, ये सारी चीज़ें वो ड्राइवर्स के थ्रू हमें पता चलता है या हमारे सिस्टम को पता चलता है. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब कोई भी किसी भी तरीके का हार्डवेयर अगर आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो दैट इज़ न्यू फॉर योर डिवाइस, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा कि किस तरीके से काम करते हैं. कि अगर हमें एग्जाम्पल हमें ही कहा जाए, कोई नया मोबाइल फ़ोन अगर हमें दे दिया जाए तो उसमें कुछ अगर नए फीचर्स हैं रेगुलर फीचर्स से अलग, तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम यूज़र मैनुअल से उसे सीख सकते हैं, या हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं से इंटरनेट से या एक्सप्लोर करके कहीं से उसके बारे में इंफॉर्मेशन सीखने की कोशिश करते हैं उसको.
तो या हमें मैन्युअली कोई हमें बता सकता है तब हम सीख पाते हैं। इसी तरीके से जब हम कभी अपने सिस्टम के साथ कोई नई डिवाइस वी अटैच विद आर सिस्टम, तो सिस्टम के लिए वो बिल्कुल नया है प्लेटफॉर्म, तो सिस्टम को नहीं समझ आता है। तो अब सिस्टम को आपको समझाना है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो ड्राइवर्स, हमारे पास कुछ पैकेजेस होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, इंस्टॉल हमें करने पड़ते हैं अपने सिस्टम पे, और तभी हमारा सिस्टम उस डिवाइस के फैमिलियर हो पाता है। अगर आप एक नया माउस भी अगर आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं नए तरीके का कहीं, तो उसके साथ भी उसके ड्राइवर्स अटैच होते हैं जो कि सिस्टम को बताते हैं कि ये एक डिवाइस है और ये चीजें परफॉर्म करेंगी। तो इनको हम नेटवर्क ड्राइवर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल। फोर्थ, प्रोटोकॉल्स के अंदर वी कैन हैव सेंटेक्स, सम सेंटेक्स एंड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। दैट प्रोटोकॉल्स कैन बी नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क, बिकॉज दे कैन टेल अस व्हाट विल बी द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, हाउ द डेटा विल बी ट्रांसमिट और हाउ डेटा विल बी कन्वर्टेड इन टू, और डेटा विल बी एनकोडेड एंड देन हाउ डेटा विल बी कन्वर्टेड इन टू द सिग्नल्स एंड देन हाउ द सिग्नल्स विल बी कम्युनिकेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सो all these things will be done by some protocols. Here we can have some examples of protocol. FTP, that is called file transfer protocol, that is used to download any information or upload any information. If you want to upload your data on a website, तो और या फिर हम किसी वेबसाइट से कोई डेटा हमें डाउनलोड करना है तो हमें एफटीपी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, या कहें कि एफटीपी प्रोटोकॉल से वो काम हमारा सिस्टम कर पाता है। HTTP हमारे पास है, TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के लिए हम कहें कि यूज कर सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। सो अगर आप कोई SMS भी सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। आप व्हाट्सएप चलाते हैं या कोई मैसेंजर चलाते हैं तो वहाँ पर ओवर द नेटवर्क आप वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं या कोई भी आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ हर तरीके के अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स वहाँ वर्क करते हैं। तो ये थी कि जो कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कभी नेटवर्क के बीच में। अब है उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकल चीज़ें भी चाहिए होती हैं जो कि उस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती हैं। एंड वी कैन हैव, फर्स्ट थिंग इज वी कैन हैव सम वायर्स इफ वी आर वर्किंग ऑन वायर्ड कनेक्शन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। सो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, या कहें कि ट्रांसमिशन जब हम कर रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें या तो वायर्ड कनेक्शन चाहिए या वायरलेस कनेक्शन चाहिए। इफ वी आर वर्किंग ऑन वायर्ड कनेक्शन तो हमें ट्रांसमिशन मीडिया का की ज़रूरत होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे हो सकते हैं, मैग्नेटिक मीडिया हमारी हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके के हमारे पास वायर्स हैं जो अलग अलग तरीके के काम के लिए यूज़ की जा सकती हैं। दैट वी विल कवर इन द डिफरेंट यूनिट, बिकॉज वहाँ पर हमारे स्पेसिफिकली एक यूनिट है जिसके अंदर हमें ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करनी है। तो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली हम कह सकते हैं वायर्स के अंदर आती है। दूसरी चीजें होती हैं नेटवर्क डिवाइसेस, तो छोटी छोटी डिवाइसेस हमारे पास होती हैं कुछ जो कि कनेक्शंस के लिए काम आती हैं, तो उसमें है वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, हब्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, मॉडम्स हो सकते हैं। उनको हम इस स्लाइड के बाद हम वन बाय वन उनको पता करेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। उसके बाद होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, लैंस, जिसे लैंड कार्ड भी हम इसे कहते हैं, NICs या WNICs हमारे पास हो सकते हैं जो कि बेसिकली नेटवर्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके बिना आपकी डिवाइस नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाती है। तो ये तीन तरीके की डिवाइसेज हैं या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी होती हैं आपके डिवाइस में जब भी उसको कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होता है तब। तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेज की एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स की, बिकॉज ट्रांसमिशन मीडिया वी विल कवर इन डिफरेंट यूनिट। सो नाउ वी विल talk about the wireless access point that is part of our networking devices. So what are wireless access point? So wireless access point हम कह सकते हैं जब हमारा wireless network हमें establish करना पड़ता है तब हम इनको use करते हैं। तो ये जो होती हैं एक तरीके से portal होता है devices के लिए जो कि connection उनका establish करता है with a
लोकल एरिया नेटवर्क, और कहें कि अगर हमारे एक ही घर में चार डिवाइसेस हैं और उनको अगर हमें नेटवर्किंग में लाना है तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट हम वायरलेस नेटवर्किंग में लाना है तो हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू उनको नेटवर्किंग में ला सकते हैं. सो एक्सेस पॉइंट्स आर यूज फॉर एक्सटेंडिंग द वायरलेस कवरेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क एंड फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन कनेक्ट टू इट. अगर आप इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आपका आपका मोबाइल फोन है जो कि एक सिम कार्ड को यूज करता है और उस सिम कार्ड की से वो नेटवर्क एक्सेसिंग कर पाता है, तो अब वो नेटवर्क आपका एक मोबाइल फोन एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसका हॉटस्पॉट ऑन करते हैं दैट नेटवर्क कैन बी यूज्ड बाय एनी अदर डिवाइस आल्सो. सो दैट विल बिकम अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट कि जहां पर आपका एक नेटवर्क डिवाइस था और अब उस नेटवर्क के अंदर आपने कई सारी डिवाइसेस को यूजिंग योर हॉटस्पॉट आपने कनेक्ट कर दिया. सो अब आप कई सारे जो डिवाइसेस हैं उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगी. इथरनेट केबल्स हमारे जो हैं, या फिर हम कहें कि हमारे वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइसेस जो होती हैं वो एक्सेस वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स उन लोगों के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, कि राउटर्स और के अंदर हम इथरनेट केबल का यूज करके उनको एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर वायरलेस कनेक्शन टू वायर्ड कनेक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क. और उसके बाद हमारे पास नेटवर्क के अंदर आते हैं राउटर्स दैट कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क रिक्वायरमेंट. सो नेटवर्क क्या होते हैं, किसी भी डिवाइस को हमारे लैंड के साथ कनेक्ट करना है या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है वी यूज राउटर्स. सो दे मेनली कनेक्ट द डिस्टिंक्ट नेटवर्क और कनेक्ट द इंटरनेट टू मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो हम राउटर्स का यूज करते हैं. उसके बाद आते हैं हब्स. हब्स हमारे तरीके हमारे पास एक कह सकते हैं सेंट्रलाइज डिवाइस है जो कि हमारा नेटवर्क को स्प्लिट करता है मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर. तो अब जब वो मल्टीपल डिवाइसेस में स्प्लिट करता है और वो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो सेंडर जब भी कोई एक अपनी रिक्वेस्ट या अपनी क्यूरी भेजता है तो ये क्या करता है, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है पूरा नेटवर्क के अंदर. तो नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होती हैं वो उस मैसेज ब्रॉडकास्टेड मैसेज को रीड कर सकती हैं और अपनी अपने सहूलियत के हिसाब से या जिससे वो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका आंसर दे सकते हैं. तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी लेस होती है. उसके बाद हमारे पास स्विचेस आते हैं, दे आर सिमिलर टू हब्स ऑल्सो. इसके अंदर भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं बहुत सारी डिवाइसेस के, बट द डिफरेंसेस यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है मैसेज की वन टू वन. अगर आप आपके एक के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एक डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं यू कैन कम्युनिकेट वन बाय वन. आपके मैसेज को सेंडर के मैसेज को रिसीवर तक ही पहुंचाया जाता है और वो उसी डेस्टिनेशन पॉइंट से आपका रिप्लाई लिया जाता है और आपको पहुंचाया जाता है. मतलब मैसेज सिक्योरिटी यहाँ पर हमारी या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ हमारे कुछ ज़्यादा बेटर होते हैं हब्स के कंपेरिजन में. उसके बाद अब हमारे पास आते हैं मॉडम्स. मॉडम्स क्या कह सकते हैं, आपके पास कुछ इंटरनल आपके सिस्टम के मॉडम भी में लगा हुआ मॉडम भी हो सकता है, इंटरनल कार्ड हमारा मॉडम हो सकता है, या हमारे पास अलग से एक एक्सटर्नल डिवाइस भी हो सकती है मॉडम की. मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करते हैं, मॉड्यूलेटर्स एंड डी मॉड्यूलेटर्स हम इनको कहते हैं, कि अगर आपके टेलीफोन लाइन के साथ आपको अपने कहें कि एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन जो भी है उसके साथ आपके अपनी डिवाइस को कनेक्ट करके और नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी जनरेट करनी है तो आप ये काम कर सकते हैं. सो मदरबोर्ड के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, दिस इज अ सेपरेट पार्ट, अलग से एक पार्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो सकता है, या अलग से हम बिल्कुल आउटर साइड में भी एक्सटर्नल भी हम एक कार्ड यूज मॉडल यूज कर सकते हैं. सो हियर आर सम एग्जांपल्स कि हम डिवाइसेस के फोटोज हैं, ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है इस तरीके का दिखाई देता है जो कनेक्टिंग वायरलेस कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए काम आते हैं. उसके बाद राउटर्स के अंदर हमारे इस तरीके के राउटर डिवाइसेस हो सकते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन को डेस्टिनेशन पॉइंट के पास. सो इट अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर टू शेयर सिंगल हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन. उसके बाद हमारे पास आते हैं मॉडेम. मॉडेम के अंदर हम कह सकते हैं इंटरनल मॉडेम वी कैन हैव एंड एक्सटर्नल मॉडेम वी कैन हैव. इंटरनल जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है, तो आपके एनालॉग सिग्नल को बेसिकली डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, या आपके कोई भी डिजिटल डाटा है उसका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करना है तो हम मॉडेम का ही यूज करते हैं. मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर हम इसको टर्म को यूज करते हैं. उसके बाद हब्स और स्विचेस होते हैं, दोनों के बीच में हमारे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को एक ही
नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए हम काम करते हैं, तो ये दोनों इस तरीके के दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं, NICs और WNICs। NICs वायर्ड कनेक्शन के लिए यूज होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क वायर को जोड़ने के लिए, देखिए इस तरीके की पोर्ट होती है। और WNIC वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स होते हैं वायरलेस कनेक्शन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज्ड इन आवर नेटवर्क। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली।